नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। कोरोना महामारी के बीच बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी ने आज यानी 19 जनवरी को बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया कि शहर और आसपास के क्षेत्रों में कोविड की स्थिति नियंत्रण में है, क्योंकि 10 दिनों के भीतर सकारात्मक मामलों की संख्या करीब 20,000 से घटकर मंगलवार को 7,000 हो गई है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। बता दें कि नागरिक निकाय कोविड की दूसरी लहर के दौरान दायर एक जनहित याचिका का जवाब दे रहा था, जिसमें याचिकाकर्ता ने महाराष्ट्र में कोविड-19 उपचार के अनुचित प्रबंधन का आरोप लगाया था। अदालत ने अब राज्य सरकार को 25 जनवरी तक राज्य भर में कोविड की स्थिति के बारे में अपडेट करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मकरंद करनी की खंडपीठ स्नेहा मरजादी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। खंडपीठ ने बीएमसी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल सखारे को सूचित किया कि अदालत के 10 जनवरी के निर्देश देने के बाद इसे कोविड की तैयारियों पर अध्ययन करने के लिए एक नोट शहर में कोविड सकारात्मक मामलों की संख्या पर तैयार किया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस NDPS अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए एक आरोपी को जमानत देते हुए हाल ही में उसे आर्मी बैटल कैजुअलिटी वेलफेयर फंड के खाते में 5,00,000 रुपए का बैंक ड्राफ्ट जमा करने का निर्देश दिया। जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने आरोपी रजनीश कुमार गुप्ता को उक्त राशि जमा करने और निचली अदालत के समक्ष इसकी रसीद जमा करने को कहा। गुप्ता पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लखनऊ, जिला लखनऊ द्वारा धारा 8/18, 29 NDPS अधिनियम की धारा 8/18, 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसमें आरोप लगाया गया कि गुप्ता के स्वामित्व वाले एक ट्रक से 13.8 किलोग्राम अफीम बरामद की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध एक पुरुष से विवाह करने वाली महिला को सुरक्षित यात्रा मार्ग प्रदान करने का निर्देश दिया। उसका पति चेन्नई में कार्यरत है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप जे भंबानी ने महिला को उसके पति के पास जाने को कहते हुए इस तथ्य पर ध्यान दिया कि दोनों वयस्क हैं और महिला ने अपनी मर्जी और इच्छा से शादी की है, हालांकि उसके माता पिता उसकी इच्छा के विरुद्ध थे। कोर्ट ने 22 नवंबर 2021 को आर्य समाज मंदिर द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाण पत्र को उनकी शादी के सबूत के रूप में नोट किया। अदालत पति द्वारा दायर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार कर रही थी। इसमें उसकी पत्नी को रिहा करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। उसकी पत्नी को उसके पिता ने कथित रूप से अवैध रूप से बंदी बना लिया था। लड़की का पिता दिल्ली पुलिस में एक पुलिस अधिकारी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ग्वालियर बेंच ने आर्य समाज विवाह मंदिर ट्रस्ट को धर्मांतरण के एक मामले में नोटिस जारी किया है। ट्रस्ट ने आर्य समाज मंदिर में कथित रूप से एक मुस्लिम लड़की को हिंदू धर्म में धर्मांतरित किया था। जस्टिस रोहित आर्य और जस्टिस राजीव कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने ट्रस्ट के पुजारी या प्रबंधक की कोर्ट में उपस्थिति की मांग की। राज्य की ओर से दलील दिया गया कि आर्य समाज मंदिर में धर्म परिवर्तन का मामला गंभीर मुद्दा है। हरिद्वार कोर्ट ने गुरुवार को नफरत फैलाने वाले भाषण के आरोपी जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को जमानत देने से इनकार कर दिया। जितेंद्र त्यागी को पैगंबर मोहम्मद साहब पर उनकी कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए गिरफ्तार किया गया है। उसने ये टिप्पणी पिछले महीने हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद के दौरान की थी। त्यागी पर उत्तराखंड पुलिस ने भारतीय दंड संहिता 1860 IPC की धारा 153A 298 के तहत मामला दर्ज किया है। बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने विशाल झा, श्वेता सिंह और मयंक रावत को जमानत देने से इनकार करते हुए विस्तृत आदेश में कहा कि बुलीबाई ऐप मामले में आरोपी तीन छात्रों ने प्रथम दृष्टया नारीत्व को बदनाम किया है। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोमल सिंह राजपूत ने गुरुवार को उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत के आदेश की एक प्रति शुक्रवार को उपलब्ध कराई गई। आदेश में कहा गया, निसंदेह आरोपी व्यक्ति कम उम्र के छात्र है और उनके पास जीवन और स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, लेकिन उन अधिकारों पर उचित प्रतिबंध है। उन्होंने नारीत्व को बदनाम करने वाले गंभीर कृत्य किए हैं। समाज का बड़ा हित दांव पर है, इसलिए उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना कम किया जा सकता है।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार को एक विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। इस हलफनामे में जेलों में भीड़भाड़, कैदियों द्वारा सामना की जाने वाली मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं और निकायों के काम न करने और दाखिल करने से संबंधित मुद्दों पर जवाब देने के लिए कहा। अदालत ने इस हलफनामे की सुनवाई अगली तारीख से पहले दायर करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 7 मार्च को होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को एक वरिष्ठ नागरिक को उसके बेटे और बहू द्वारा किए गए कथित उत्पीड़न के खिलाफ पुलिस सुरक्षा प्रदान की। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा एक वरिष्ठ नागरिक राधा रानी सहा द्वारा दायर एक याचिका पर फैसला सुना रही थी, जिसमें अदालत के हस्तक्षेप की मांग की गई थी, क्योंकि उनके बेटे और बहू के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत को दमदम पुलिस स्टेशन द्वारा संबोधित नहीं किया गया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि क्रिकेट मैच फिक्सिंग धोखाधड़ी के अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए कथित अपराधियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध नहीं माना जा सकता। जस्टिस श्रीनिवास हरीश कुमार की एकलपीठ ने कहा, ये सच है कि यदि कोई खिलाड़ी मैच फिक्सिंग में शामिल होता है तो एक सामान्य भावना पैदा होगी कि उसने खेल प्रेमियों को धोखा दिया है, लेकिन ये अपराध की सामान्य भावना को जन्म नहीं देती। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।